हाय गाइस, सलाम नमस्ते वनकम सत श्री अकाल। आपका अपना वर्ल्ड फेमस मुंबईकर, आज मैं आया हूँ लोअर परेल और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ मावा फालूदा। परफेक्ट, आपने सही सुना, मावा फालूदा। आपको दिख रहा है कितना फिलिंग है। ओके, मेरा ग्लास, तो ये मेरा फालूदा तो रेडी है। तो ये जो स्टॉल है ये ऑलमोस्ट 25-30 साल पुराना स्टॉल है और यहाँ पर मेरा पहले तो ऑफिस हुआ करता था लोअर परेल में, सनमिल कंपाउंड में। तो हम लोग जब ऑफिस से छूटते थे, मैं और मेरे कोलीग्स, हम लोग आते थे, जब भी हमको मन करता था फालूदा खाने का, हम लोग यहाँ ट्राई करते थे। यहाँ की खासियत ये है कि ये लोग मावा ऐड करते हैं और वो भी सब होममेड होता है। ऑफकोर्स दे मेक एवरीथिंग एट होम एंड दे गेट इट हियर। एंड यहाँ पे स्टॉल का टाइमिंग नॉर्मली 7 o'clock इवनिंग से लेके नाइट का 11 o'clock तक का होता है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ की खासियत है मावा फालूदा। तो एज यू कैन सी ग्लास के टॉप पर इट्स लाइक फुल मावा। देन दे हैव मावा आइसक्रीम ऑल्सो, मेल्ट हो गया वैसे थोड़ा स्कूप, बट आई शो यू द मेकिंग, आई ऑफकोर्स एड इट ऑन द वीडियो ना, तो आप देखना ये मावा है। नेक्स्ट लेवल गाइस, डिलीशियस। मैं थोड़ा ना सिप ले लेता हूँ। अभी जो गर्मी चल रही है ना, उसके लिए बहुत सही ड्रिंक है शाम के टाइम पे। अगर आपको आप लोगों को फालूदा पसंद है तो सबसे बेहतरीन फालूदा मुंबई में आपको यहीं मिलेगा। नेक्स्ट लेवल। और गाइज ये आइसक्रीम का स्कूप लकीली मेल्ट नहीं हुआ है, एज यू कैन सी, परफेक्ट। और ये आइसक्रीम का मैंने ना पहले जब मैं ऑफिस में काम करता था तब मैंने पूछा था इनको कि कौन सा फ्लेवर है, तो इन्होंने बोला फ्लेवर नहीं होता बेटा, हमारे पास एक ही आइसक्रीम है, उसे भी हम लोग मावा आइसक्रीम बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। अगर आप देख सकते हो क्लियर लेयर रूह अफ़ज़ा, बेसिल सीड सब्ज़ा, देन ऑफकोर्स मिल्क है, देन उसमें वो जो सेवई होती है वो एडेड है, देन आइसक्रीम और मावा, सबका कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका मावा फालूदा, परफेक्ट। और एक एक बात गाइस, इट्स वेरी मच अफोर्डेबल, इट्स जस्ट फॉर रुपीज विदाउट मावा यू हैव टू पे 25 rupees एंड विथ मावा इट्स समवेयर अराउंड 30-35 rupees। बहुत ही अफोर्डेबल है आज के डेट में। ऐसे मार्केट में बहुत सारे फालूदाज हैं लेकिन इसके टक्कर का कोई फालूदा मैंने खाया नहीं अभी तक। लेट मी ट्राई मो ना, मैं बहुत वैसे गर्मी बहुत है एंड ये बहुत परफेक्ट मेरे लिए नाइट का पर्टिकुलर ड्रिंक हो गया जो सही है, ठंडा सा एकदम। और बेस्ट बात क्या है पता है इसकी, आप जब जितना डीप अंदर स्पून डालोगे एंड देन यू रिमूव ना, आपके स्कूप में एक स्पून में पर्टिकुलरली मावा आपको मिलेगा। गाइस मावा ना मेल्ट हो रहा है बॉस, बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी। सो जब मेकिंग में आपको मैं बताऊंगा ना, सो दे पुट ऑफकोर्स ऑल द लेयर्स एंड देन दे पुट मावा एंड दे मिक्स इट नाइसली, देन दे पोर मिल्क एंड देन दे पुट द आइसक्रीम स्कूप, नेक्स्ट लेवल। बॉस बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं पार्सल भी लेके जाने वाला हूँ घर के लिए। एंड गाइस नैपकिन ले लेता हूँ। अगर आपको ये फालूदा खाना है तो यहाँ पे प्रसाद सर मिलेंगे, अभी तो फिलहाल वो कहीं गए हैं, जो यहाँ स्टॉल के ओनर हैं, 25 सालों से ये स्टॉल चला रहे हैं। आपको मैं बात बता दूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये स्टॉल का लोकेशन और इसका एग्जैक्ट एड्रेस मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप आओगे तो प्रसाद सर हैं, ये उनके टीम मेंबर हैं। सर आपका नाम क्या है? आगे हमारे प्रसाद सर आगे, ये रहे हमारे प्रसाद सर। तो इनका स्टॉल है ये एंड ये बहुत ही बेहतरीन आपको मावा फालूदा खिलाएंगे, आपको बस आना है यहाँ पर। तो दो वेराइटीज़ है, एक नॉन मावा एक विथ मावा। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो है मावा वाला, ओके, एंड वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही डिलीशियस होता है। लेट मी फिनिश माई फालूदा। जैसे मैं कह रहा हूँ हर एक स्पून में आपको मावा मिलेगा।
I am very fond of mawa, I guess. तो जहाँ जा रहा हूँ मैं, I am making lots of contents related to mawa. Very nice. Guys, flavor is really good. ऐसे लगेगा कि आपने घर पे बनाया है और आप घर का कुछ यू नो घर से बना हुआ, एकदम प्यार से जो बनता है चीज़, यू नो आपकी मम्मी घर पे बनाती होंगी प्यार से कुछ ना कुछ, तो उसी तरह प्रसाद सर भी इतने प्यार से सब घर पे ही बनता है ना, सब घर पे बनता है. और ये जो आप देख रहे हो ना सिलेंडर, इट्स फुल ऑफ आइसक्रीम एंड इट्स कॉल्ड मावा आइसक्रीम. इसका भी मैं क्लिप ऐड करूँगा मेरे वीडियो में, ज़रूर चेक करना. ओके, लेट मी हैव इट. डन. प्रसाद सर बहुत ही बेहतरीन था आपका मावा फालूदा. एंड गाइज, मेरे को बस ये कहना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल वर्ल्ड फेमस मुंबई कर. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. एंड ऑल्सो फॉर मोर कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी. सर जी मेरे लिए एक मावा फालूदा बना दीजिए. तो पहले जाएगा सब्जा, बेसिल सीड्स, देन जो सेवई होती है वो जाएगी, ठीक है. एंड देन उसके बाद ऐड होता है सिरप, जिसे आप रूह अफ़ज़ा भी बोलते हैं. फिर आता है मिल्क, मिल्क ऐड होता है, परफेक्ट. एंड इसके बाद होगा मावा ऐड. वाओ, लुक एट इट गाइस, मावा परफेक्ट. और एक एक स्कूप जाएगा, उसको फिर मिक्स करेंगे अच्छे से. वेरी नाइस, मिक्स हो गया. और एक स्पून चचा अंदर डाल रहे हैं, वेरी गुड, परफेक्ट. अब आइसक्रीम की बारी, अब आया मावा आइसक्रीम. सो एक बड़ा सा स्कूप अब निकालेंगे सर जी मावा आइसक्रीम का प्रॉपरली. वेरी नाइस, ये हुआ मावा आइसक्रीम ऐड मेरे फालूदा में. वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया. अब मेरा मावा फालूदा रेडी हो गया एंड आई एम गोना टेस्ट इट एंड मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट करता है. ओके, शुक्रिया सर, दे दीजिए.